नमस्कार, मैं श्वेता, आपका द खबरदार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तीसरा बेटा जन्मा तो पिता ने मार डाला। बैतूल में 12 दिन के नवजात का गला घोटा, अब बेटी चाहता था आरोपी। बैतूल में एक शख्स ने अपने 12 दिन के नवजात बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके 5 और 7 साल के 2 बेटे हैं। पत्नी तीसरी बार गर्भवती हुई तो वह चाहता था कि बेटी हो। पीएम मोदी शिवपुरी की ललिता से बोले राम राम। आदिवासी महिला ने सरकारी योजनाओं के लाभ गिनाए तो कहा, आप सुपर फास्ट बोलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जनमन अभियान के तहत अलग अलग राज्यों की महिलाओं से बात की। धार में चाइना डोर से बच्चे का गला काटा, मौत। परिजन ने शव रखकर चक्का जाम किया। पुलिस वालों ने दुकान पर चेकिंग की। धार में प्रतिबंधित चाइना डोर से 7 साल के बच्चे का गला काट दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। उसका सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। टपका नाम से प्रसिद्ध है यह कुंड, पत्थरों से टपकता है पानी। संक्रांति पर मेले में लगती है लोगों की भीड़। दमोह में एक कुंड की पहचान टपका नाम से है। कुंड के पत्थरों से पानी टपकता रहता है। राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती। श्री रामोत्सव में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार राम मंदिर बनने की तारीख नजदीक आ गई है। मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो। एमपी के अस्पताल में गर्भवती महिलाओं ने जाहिर की अपनी इच्छा। डॉक्टर ने क्या कहा, महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि 22 जनवरी के आसपास समाप्त हो रही है। मेरी इच्छा पूरी करोगी तभी। बीज निगम के कर्मचारी ने 3 लड़कियों को भेजा अश्लील मैसेज। मध्य प्रदेश बीज निगम के संविदा नियुक्ति के लिए 3 लड़कियों ने आवेदन किया था। गौवंश की हत्या पर मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन। जमीन दोज कर दिए आरोपियों के मकान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा जिस प्रकार से लगातार ही हिंदूवादी संस्कृति को निर्मित करने और असामाजिक गतिविधियों को बंद करने के उद्देश्य से कार्यवाहियां की जा रही हैं। राहुल गांधी पर भाजपा का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस कितनी बार उनकी लॉन्चिंग करेगी। वे फ्लॉप फिल्म की तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। सीजन की सबसे ठंडी रही शनिवार की रात, 2.5 डिग्री तक लुढ़का पारा। धुंध के चलते कई ट्रेनें उड़ाने रद्द। शीतलहर और कोहरे के बीच जम्मू में पारा जमाव बिंदु की ओर सिकुड़ रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।